विजय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इंटीजर का सोल्यूशन करना है। प्रॉब्लम है, एग्जांपल गिवन है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स 2020, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल्स 2021 ये गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, तीनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्स वाई प्लस जेड, इसे हम इक्वेशन वन समझ लेंगे, और एक्स प्लस वाई जेड इक्वल्स 2021 इसे हम इक्वेशन टू नाम देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट टू में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू, तो क्या आता है एक्स प्लस वाई जेड, इक्वेशन टू है, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड, दिस इक्वल्स 2021 माइनस 2020। इक्वेशन टू में इक्वेशन वन माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड एजुअल रहेगा, नेगेटिव साइन से इधर दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ जेड आ जाएगा, दिस इक्वल्स, यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोनों में, वन है तो वन आंसर आएगा। अभी जो लेटर से जो कॉमन आता है वो एक तरफ कर लो, यहाँ पर इन दोनों में एक्स आ रहे हैं और यहाँ पर दोनों में जेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स वाई एक तरफ कर लो, प्लस वाई जेड माइनस जेड एक तरफ कर लो, दिस इक्वल्स, ये आगे का वन साइजल रखो। अभी इन दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में एक्स आ रहा है और इन दोनों में जेड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ले लो एक्स, तो एक्स कॉमन अगर लिया तो वन माइनस वाई रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर जेड अगर कॉमन लिया पॉजिटिव जेड, तो यहाँ पर वाई माइनस वन इक्वल्स वन, वन माइनस वाई है, यहाँ पर वाई माइनस वन है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है तो इसलिए कॉमन बाहर नहीं आएगा। तो अगर इसको अगर सेम करना है तो जो इसको जो है ना नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स टाइम्स वन माइनस वाई एज यूजल, प्लस ऑफ ये नेगेटिव वन से मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, तो जेड एज यूजल ये वाई माइनस वन आल्सो एज यूजल, दिस इक्वल्स वन समझ लो। अभी नेगेटिव वन से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, एक्स टाइम्स वन माइनस वाई एज यूजल माइनस ऑफ माइनस वन ये जेड एज यूजल, अंदर क्या बच रहे माइनस वाई प्लस वन, दिस इक्वल्स वन। ठीक है, तो ये एक्स टाइम्स वन माइनस वाई एज यूजल माइनस ऑफ जेड टाइम्स ये वन माइनस वाई बाद में लिख लो, तो ये इक्वल्स वन आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर भी वन, इसमें भी वन माइनस वाई है, इसमें भी वन माइनस वाई है, तो इसका मतलब दोनों में वन माइनस वाई है, तो वन माइनस वाई हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो अभी रिमेनिंग इसमें क्या आ जा रहे हैं, एक्स माइनस जेड बच रहे हैं, दिस इक्वल्स वन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दो फैक्टर्स है, वन माइनस वाई इक्वल्स वन, एक्स माइनस जेड इक्वल्स वन, ये हो रहा है। लेकिन ये वन माइनस, ये वन को वन इंटू वन भी कर सकते हैं, दो फैक्टर्स यहाँ पर बना सकते हैं, वन इंटू वन कर सकते हैं, और दूसरा क्या बनता है, नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन, नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन भी पॉजिटिव वन ही हो जाएगा, वन इंटू वन भी पॉजिटिव वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस आ जाएगा, फर्स्ट केस में क्या आता है, वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन, और दूसरा एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू वन आ जाएगा, ये फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में क्या क्या मिल रहा है, वन माइनस वाई इक्वल्स नेगेटिव वन, और एक्स माइनस जेड इक्वल्स आल्सो नेगेटिव वन। ठीक है, तो इससे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आता है हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करेंगे, वन माइनस वाई इक्वल्स पॉजिटिव वन, और एक्स माइनस जेड इक्वल्स पॉजिटिव वन, दोनों पॉजिटिव वन ही लेंगे, ये नेगेटिव का बाद में लेंगे। तब यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या आते हैं, देयरफॉर वाई इक्वल्स
वन माइनस वन होता है तो जीरो होता है, यानी वाई का वैल्यू हमें जीरो मिल गया। तो वाई का वैल्यू जीरो मिल गया तो हमें अभी एक्स और जेड का वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में वाई का वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, एक्स इंटू वाई है, वाई का वैल्यू अगर जीरो रखा तो प्लस जेड इक्वल्स 2020, ओके, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, प्लस जेड इक्वल्स 2020, तो जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, 2020 आ रहा है। वाई का वैल्यू जीरो आया तो जेड का वैल्यू 2020 आ रहा है। ये जेड का वैल्यू अगेन इसमें रखो, नहीं तो इसमें रखो, किसमें रखे तो भी चलता है, और इसमें रखो एक्स माइनस जेड इक्वल्स वन, तो हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें रखेंगे तो एक्स माइनस जेड इक्वल्स वन है तो जेड का वैल्यू 2020 है, दिस इक्वल्स वन, देयर फॉर एक्स इक्वल्स वन प्लस 2020, तो एक्स इक्वल्स 2021, तो हमें मिल गया एक्स का वैल्यू। फर्स्ट केस में एक्स का वैल्यू क्या मिला, 2021। वाई का वैल्यू जीरो और जेड का वैल्यू 2020, ठीक है, एक में। अभी दूसरे में क्या मिलता है वो देखेंगे। सेकेंड केस क्या है, वन माइनस वाई इक्वल्स नेगेटिव वन, ये ठीक है। तो दूसरा एक्स माइनस जेड इक्वल्स आल्सो नेगेटिव वन, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या बनते हैं, 2 बनते हैं, ठीक है। ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो तब क्या बनता है, x इंटू वाई का वैल्यू अगर 2 रखा तो प्लस जेड एज यूजल दिस इक्वल्स 2020, तो ये बनता है 2x प्लस जेड इक्वल्स 2020, ठीक। इसी तरह y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये थर्ड समझ लो इक्वेशन 2 में, अगर इक्वेशन y का वैल्यू पुट किया तो x प्लस 2z बनता है, ये दिस इक्वल्स 2021, ये इक्वेशन नंबर 4 समझ लो। अभी 3-4 से फैक्टर्स एलिमिनेशन मेथड से और सब्सटीट्यूशन मेथड, ये दोनों में कौन सा, तो एक मेथड से हम इस इन वेरिएबल्स x y z हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओनली x 2 वेरिएबल्स हैं, x और z, y का तो मिला है, तो x और z का दोनों का वेरिएबल्स का वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। इधर अगर एलिमिनेशन मेथड से हम इसे करना है तो दोनों वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, ओनली सिंगल x है, यहाँ पर z है, यहाँ पर 2z है, इसका मतलब कौन से तो एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन 2 है इसको ही 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, होल इक्वेशंस को, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन किया होल इक्वेशंस को तो ये बनता है 2x प्लस 4z इक्वल्स 2 to 4 0 4 2। तो इक्वेशन 3 क्या है, 3 तो है 2x प्लस z इक्वल्स 2020, ओके। तो एक में एक अगर माइनस किया तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो 4z में वह एक झड गया तो 3z रहा, दिस इक्वल्स यहाँ पर 2 में 0 गया तो 2 रहेगा, 4 में 2 गया तो 2 रहेगा, ये 0 और ये 2, तो 3z इक्वल्स 2022, देयरफॉर z इक्वल्स 2022 डिवाइडेड बाय 3, दिस इक्वल्स 3 6 18, तो 2 7 3 7 21, तो 1 रह गया, 3 4 4, यानी जेड का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 674। इससे y का वैल्यू 2 है तो जेड का वैल्यू 674 है। ये जो जेड का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, x माइनस जेड इक्वल्स नेगेटिव 1 है, तो x हमें चाहिए तो दिस इक्वल्स नेगेटिव 1 टाइम्स पॉजिटिव जेड, ओके, ये पॉजिटिव जेड वो साइड में हो गया, दिस इक्वल्स नेगेटिव 1 प्लस जेड इज 674, तो दिस इक्वल्स x इक्वल्स 673। तो एक बार दूसरे बार x का वैल्यू 673 आ रहा है, y का वैल्यू 2 है
जेड का वैल्यू 674 है। ये हमारा इन तीनों वेरिएबल्स का आंसर है। ये सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल का। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।